न्यूज़ टुडे का ये खास कार्यक्रम है पड़ताल। हम लखनऊ नगर निगम के हर एक वार्ड का पड़ताल कर रहे हैं और जनता की समस्या अगर है तो वो भी दिखाएंगे, और अगर निगम पार्षद ने अपने इलाके को, अपने वार्ड को, वहाँ पे अगर कोई आदर्श कार्य किया है, जो भी कार्य किया है, विकास किया है, वो भी हम दिखाएंगे, और अगर विकास नहीं हुआ है तो वो भी दिखाएंगे। दोनों चीज़ें ए न्यूज़ टुडे आपके सामने लेकर के आएगी। इस वक्त ए न्यूज़ टुडे की टीम इब्राहिमपुर वार्ड प्रथम में मौजूद है और यहाँ के जो पार्षद हैं सुधीर राजपाल हैं, जो कि कुछ ही मीटर के बाद उनका घर यहाँ पर आपको मिलेगा। तो या मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा कि एक बार दिखा दें कि ये जो रोड है किस तरह से, ये टूटी हुई रोड है, ये सड़क है। कैमरे को आप दिखा दें, डाउन करें, देखो किस तरह से ये सड़क जो है ये टूटी हुई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि ये रोड की जो हालत है वो सामने है आपके, और इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है, विधायक जी या पार्षद या विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग या जनता? तो यहाँ पर कुछ जनता है, उनसे पहले बात कर लें कि क्या जिस इलाके में ये सब रहते हैं, और अगर फोर व्हीलर है या कार की बात करें या स्कूटी की बात करें या मोटरसाइकिल की बात करें, सर आप लोगों को इस रोड पे चलने में कैसा अनुभव होता है, डर लगता है या आप कंफर्टेबली इस सड़क पे चल पाते हैं? सर कंफर्टेबल तो बिल्कुल नहीं है, ऑलमोस्ट जो है 10-12 साल यहाँ हो गया है, नगर निगम में है, टैक्स पे कर रहे हैं, और उसके बाद भी आप देख रहे हैं रोड की हालत क्या है। और ये रोड आप देख रहे होंगे पीछे नीलमत्था है, मेन एंट्रेंस है नीलमत्थे का, और मेरे ख्याल से अच्छी खासी आबादी है, मतलब इतना फ्रिक्वेंट ट्रैफिक है यहाँ पे कि विद इन 1 मिनट में आप 8-10 जो है व्हीकल आप देखेंगे जी, छोटे बड़े, मतलब कोई रश बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन हाँ, लेकिन फिर भी यहाँ कोई रोड की मरम्मत के लिए या इसको बनवाने के लिए कोई आगे नहीं आता है, कोई आगे नहीं आता है, लेकिन प्रॉपरली टैक्स पे हो रहा है, नगर निगम में है, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं है। एक आपके जो पार्षद हैं सुधीर राजपाल जी हैं, इब्राहिमपुर वार्ड प्रथम ये पड़ता है शायद जी, ठीक है ना, तो कुछ ही मीटर के बाद उनका घर भी है, तो अपने इलाके में रह करके भी अगर इलाके में काम ना हो, क्योंकि हमने उनसे पूछा था, फ़ोन पे बात हुई थी, तो कह रहे कि 125 कार्य कराए हैं, तो हम ढूंढ रहे हैं। अब 125 कार में जो है इसका तो कोई नंबर है नहीं, इसका नंबर नहीं है, जो 125 आप बता रहे हैं 125 कार्य उन्होंने कहे हैं, कहाँ पे जो है उन्होंने जो चर्चा की है वो तो आप देख ही रहे हैं, ठीक है। तो दूसरा, अगर दूसरी बात अगर ये कह दे कि जी ये तो हमारे ये जो रोड है ये मेन रोड है, ये गली वाला रोड या खरंजा वाला नहीं है, ये अगर वो ये कह दे कि विधायक जी के अंडर में आता है तो फिर वो बच सकते हैं? देखिए अपने कार्यों से हटना या पीछे हटना या केवल वक्तव्य करना वो हर नेता करता है, अब ये है कि उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो अब क्योंकि 5 साल तो पूरे कार्यकाल सबके हो गए हैं, आपके जो कॉरपोरेटर्स हैं, पार्षद हैं, उनके कार्यकाल पूरे हो गए हैं, अब अगर आप जब वोट देंगे तो माइंड में आप क्या रख करके वोट देंगे, किसी को भी आप देंगे तो माइंड क्या में क्या रखेंगे कि क्या तो विकास डेवलपमेंट? मेन तो डेवलपमेंट होता है, ठीक है ना, मेन डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट दिखता है तो आदमी उसको। पुराने जो आपके पार्षद हैं अभी जो अभी हैं तो उनके विकास से संतुष्ट हैं आप? फिलहाल इस क्षेत्र में तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ क्षेत्र में काम हुआ है। अच्छा, इस क्षेत्र में नहीं है, दूसरे क्षेत्र में काम हुआ है, जहाँ हुआ है उनकी सराहना है, जहाँ नहीं हुआ उनके लिए रिक्वेस्ट है कि यहाँ भी ध्यान दें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कि जनता जो है बड़ी समझदारी वाली बात यहाँ पे ये है पार्षद जी और विधायक जी, कि जनता कह रही है कि अगर जहाँ पे आपने काम कराया है तो वहाँ पे सराहना होगी, और जहाँ पे काम नहीं हुआ है तो थोड़ा वो देखना पड़ेगा, क्या कहना है सर? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो ये मिली जुली जो प्रतिक्रिया है, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये इब्राहिमपुर वार्ड प्रथम है, और ये रोड आप दिखा दें, जैसा कि ये नीलमत्था का ये मेन रोड है, ये एंट्री पॉइंट है, आप दिखा दें कि छोटे छोटे बच्चे किस तरह से आते हैं स्कूटी से, और अगर ज़रा सा भी अगर थोड़ी सी भी अगर लापरवाही हुई ड्राइविंग में तो है ना कुछ भी हादसा हो सकता है, चोट आ सकती है, हड्डियाँ टूट सकती हैं, थोड़ा ध्यान दे करके आप भी संभल करके कैमरा चलाएं। एक बार दिखा दें कि रिक्शों को भी किस तरह से निकलने में परेशानियां होती है, आप ये दिखाएं।
ये जो रोड है कितने सालों से टूटा हुआ आप देख रहे हैं? 10-12 साल हो गए। 10-12 साल हो गए। आपके जो पार्षद है उनका नाम जानते हैं आप? हाँ। क्या नाम है? मुन्नालाल कुरील। मुन्नालाल कुरील। नहीं, ये वार्ड का नाम क्या है? खरका वार्ड। ये खरका वार्ड है। ये जो ये रोड है खरका वार्ड किसमें आता है ये रोड पीडब्ल्यूडी में है। हाँ, रोड पीडब्ल्यूडी में है। ये तो नगर निगम इधर हमारा ये है ना, ये बॉर्डर समझो, ये बॉर्डर है। ये जो है ये वो इब्राहिमपुरा है। वो इब्राहिमपुरा है। ये खरका वार्ड है। अच्छा, इधर मतलब उधर इब्राहिमपुर हो गया। एक मिनट बता। हाँ। ये वो इब्राहिमपुर हो गया, ये खरका वार्ड हो गया, ये बीच में पीडब्ल्यूडी की रोड है। ये पीडब्ल्यूडी की। हाँ, पहले तो पार्षद की जिम्मेदारी नहीं है इस रोड की? नहीं, पार्षद की जिम्मेदारी हो विधायक की है। अच्छा, तो एक कैमरा आप उधर घुमा दें कि आप, ये जो है वो एरिया जो आपके जस्ट सामने है इब्राहिमपुर, ये इब्राहिमपुर वार्ड है और ये पीडब्ल्यूडी की रोड है, ये दिखा दें। ये जनता का कहना है और ये एक लैंडमार्क तस्वीर दिखा दें, ये चौधरी इनक्लेव हमने एप्लीकेशन विधायक को दिया, ठीक है ना, वापस लेकर के आ जाए। तो ये बता रहे, ये इधर ये जो चौधरी इनक्लेव की जो ये बिल्डिंग बनी हुई है, ये वार्ड कौन सी है? खरका वार्ड। खरका वार्ड। तो यहाँ के पार्षद कौन है? मुन्ना कुरील। खरका वार्ड। खरका वार्ड। अच्छा, वार्ड नंबर 2। उधर की जनता ने तो, इब्राहिमपुर की जनता ने तो अपनी समस्या बता दी, तो यहाँ पर आपकी गलियाँ सड़कें वगैरह बनी, कार्य किया आपके पार्षद ने? देख तो रहे हो रास्ता, आप क्या बताएं, ये काफी दिन से पड़ी हुई रास्ता, पानी की यही समस्या, रोड नाली पानी की यही समस्या है। और ये रोड पूरे नीलमथे की, आप पूरे, हमको तो नीलमथे के पता है, बाकी जगह तो जहाँ भी जाए तो रोड नाली पानी की, तो आप ये तो आपको भी पता है कि रोड नाली पानी की समस्या है। नीलमथे पे हम बात कर लेते हैं, आपके पार्टिकुलर सर, बिल्कुल पूरे नीलमथा में रोड नाली पानी का इतना बुरा हाल है कि कुछ कह नहीं सकते, और अंदर गली में घुसिए पूरे निकलने के लिए लोग निकल नहीं सकते हैं। यही आप निवासी हैं? यहीं पे हम, यहीं के आसपास में, बिल्कुल यहीं हमारा घर है। तो नीलमथा में यहाँ पे आपके पार्षद कौन है और वार्ड कौन सा लगता है आपका? हमारा अभी तक तो नीलमथे में यहाँ पे पार्षद है, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, लेकिन इससे 1-1.5 किलोमीटर में पार्षद ही सरपंच है। नीलमथे में सरपंच भी लगता है, नीलमथे में ही सरपंच भी लगता है, पार्षद भी लगते हैं। तो चाहे पार्षद एरिया हो, हम ये समझना चाह रहे हैं, जैसा कि इन्होंने भाई साहब ने बताया कि सामने जो है वो इब्राहिमपुर वार्ड प्रथम पड़ गया और उसके जो पार्षद है वो सुधीर राजपाल जी है, ठीक है ना, खरका वार्ड है भैया। एक सेकंड, और ये कह रहे कि यहाँ पे इधर अगर हम आ जाते हैं तो इस तरफ ये है खरका वार्ड, बता रहे हैं खरका वार्ड, ये सही बताएंगे। अच्छा, यहाँ से वहाँ से आइए, जो खरका वार्ड ये नाले तक है। अच्छा। ये खरका वार्ड हो गया, और ये एरिया सड़क के इस पार जहाँ तक जा रहे हैं वो इब्राहिमपुर हो गया। सड़क के किस तरफ? उस पार, उस तरफ वो इब्राहिमपुर पूरी, इस पार खरका वार्ड है। तो अभी आप कहाँ रहते हैं, इब्राहिमपुर वार्ड में रहते हो या खरका वार्ड में? तो खरका वार्ड की हम बात कर ले, खरका नाम बताया ना आपने, खरका वार्ड। इस खरका वार्ड में इसमें विकास की क्या हालत है? विकास की बहुत पोजीशन खराब है, विकास एक परेशानी है। इब्राहिमपुर और ये खरका वार्ड के बीच की जो सड़क है ये पीडब्ल्यूडी की है। तो जिम्मेदारी किसकी है, विधायक की है, पार्षद की, आपके हिसाब से? अब तो विधायक हो या सभासद हो, हम लोग तो रोड पानी से मतलब है, क्या मतलब है, मतलब सबकी जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है, विधायक, सभासद, पार्षद, सब। परेशानी है कि वोट में तकलीफ होगी ना, है ये तो सबको परेशानी होगी। अब ये 24 घंटा तो चलती है। आप कौन से वार्ड में रहते हो? आप तो खरका द्वितीय में रहते हैं। खरका द्वितीय में। पार्षद का नाम जानते हैं? हाँ, मुन्नालाल कुरील है। क्या काम किया है इलाके में? काम तो कुछ नहीं किया है, काम वही खास खास इलाकों में थोड़ा बहुत जो कुछ टाइल वाल का करंजा लगाया हो, नाली तो कहीं बनाया नहीं, न कहीं हैंड पाइप ना। अगर हम आपसे ये कहें कि 10 में से अगर नंबर दोगे तो कितना नंबर अगर दोगे, काम के आधार पे, काम के आधार पे सिर्फ 2 नंबर उनको मिलने चाहिए, 8 नंबर कटने, हाँ 8 नंबर कटने चाहिए उनके, सबसे कम काम उन्हीं ने किया, उनसे ज़्यादा। तो ये जो रोड है, तो ये रोड आपके साथ भी टच है, आपके खरका वार्ड में भी जुड़ता है, इब्राहिमपुर में भी जुड़ता है, तो इसके लिए किसे जिम्मेदार मानते हो? इसके लिए तो जिम्मेदार दोनों को मानते हैं, इसलिए कि सुधीर राजपाल जो है भाजपा से पार्षद हैं और वो बसपा से पार्षद हैं, तो वो तो ये चिल्लाते हैं कि सरकार हमको जो है, हमको जो बजट भाजपा के पार्षदों को मिलता है वो हमें नहीं मिल रहा, हमको लाइटें नहीं दे रहे, हमको ये नहीं पोल में लगाने दे रहे, हमको वो नहीं दे रहे। मुन्नालाल से जब ये कहें, देखो ये सब खम्भों में किसी में लाइट है, कहीं में लाइट नहीं है, हम लोग पता नहीं कब से कह रहे हैं कि एक एक लाइट लगा दो। लाइटें ना होने से क्या नुकसान है? नुकसान है, खड्डे में आदमी यहाँ एक्सीडेंट रात में आता गिर जाता है, मोटरसाइकिल स्लिप होकर गिर के, पता नहीं रोज 2-4
इसमें गड्ढों में रोज तो चोट खाते, रात में अंधेरा रहता है सड़कों पे और गिर जाते हैं। गड्ढा बहुत है ना, बड़े बड़े गड्ढे, इसलिए लोग ध्यान नहीं देते, बस फट से। कितना एक्सीडेंट हुआ होगा, चोट वोट लगी, किसी की मृत्यु भी हुई है क्या अगर जानकारी? तो नहीं हुए, मगर यह है कि आए दिन दो चार ई रिक्शा पलटते हैं, दो चार मोटरसाइकिल वाले पलटते हैं, तो छील छाल तो जाते ही भाई, बहुत तेज तो नहीं होते हैं ये। इनकी बाबा की बात सुनाओ, कुछ कह रहे हैं जी बाबा, बताइए क्या कह रहे हैं। ये यहाँ रोड जो है इसलिए गड़बड़ है कि जो छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं उनको क्रॉस करने में बड़ी समस्या हो जाती है। आगे की, हाँ हाँ, आगे की तरफ रोड क्रॉस करने में जाने में, ट्रैक्टर साला पलट गया, और गाड़ी भी जाए, कार जाती है, मोटरसाइकिल जाती है, जो बड़ी समस्या हो जाती है, इसका निदान आप लोग करवाइए किसी भी तरह से। यहाँ जो विधायक है, विधायक का नाम है मालूम है क्या नाम है विधायक का? हमारे सरोजनगर क्षेत्र लगता है विधायक, यहाँ से डॉक्टर राजेश्वर सिंह, भाजपा से विधायक। क्या राजेश्वर, तो कभी आप अपनी समस्या लेकर के गए होंगे? हाँ, समस्या तो क्षेत्र की बहुत सी उन लोगों के पास लेके गए लोग, और ऐसा नहीं कि उनके पास ये रोड नहीं मालूम, इस रोड पे राजेश्वर सिंह कम से कम 10 बार आ चुके होंगे, सुधीर राजपाल के घर से लेके, यहाँ एक जितेंद्र सिंह हैं उनके यहाँ भी बीच में आए थे, तो यहाँ सरोजनगर तो यहाँ आया जाया करते हैं पार्षद जब से नए वाले विधायक जी बने, मगर ये रोड ये पास है, स्वाति सिंह जब मंत्री थी, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री थी, तो इस रोड तभी पास हुआ था, डबल रोड पास है। स्वाति सिंह जो थी वो कौन सी पार्टी से थी? वो भाजपा से थी। अच्छा। मगर लास्ट समय मोमेंट पे ये पास हुई रोड, जब चुनाव होना था उसके पहले, तो उसके बाद भी उनको ना टिकट देके राजेश सिंह को टिकट देगा। अच्छा। तो वो सिंह को टिकट ना मिला, ना देके सिंह भाजपा से ही आए। हाँ। तो मतलब उनका उनका विकास की वजह से, कि उनका माहौल नहीं ठीक, यहाँ की रिपोर्टिंग यहाँ की गलत मिली, जो सर्वे कराया हो पार्टी ने। सुनीता सिंह की बात कर रहे हैं? हाँ, जो इसके पहले जो राज्य मंत्री थे स्वाति सिंह, स्वाति स्वाति का यहाँ मतलब सरोजनगर विधायक थी पहले, विधायक थी और मंत्री भी, जी जी, तो उनकी टिकट कटी। हाँ। और उनकी भाजपा से राजेश्वर सिंह जीते हुए विधायक हैं, मतलब उनकी टिकट काट करके राजेश्वर सिंह को, राजेश्वर सिंह आईपीएस अधिकारी हैं, आईपीएस अधिकारी हैं, एक्स ईडी के अफसर भी हैं, योग्य हैं। हाँ, तो नहीं योग्य हैं बात है, लेकिन अभी लेकिन ये जो है अब कार्यकाल भी मेरे ख्याल से एक दो साल तो हो गया है। हाँ, एक दो साल तो हो गया है, है ना, उस काम को तो इनको बढ़ाना चाहिए ना। तो कभी आपने बताया कि 10 बार कह रहे थे कि बारिश के बाद काम होगा। हाँ, नहीं, आपने एक बात बोला कि 10 बार विधायक साहब सुधीर जी के पास आए हैं इब्राहिमपुर वार्ड प्रथम के, ये मैटर उनके पास रखा है, पार्षद है उनके पास, लोगों की समस्याएं गई हैं, तो लोग यहाँ के वहाँ के सब लोगों ने एप्लीकेशन दिया, आश्वासन यही है कि हाँ काम लगने वाला है, हाँ काम लगने वाला है। अच्छा। बस यही आश्वासन चल रहा है। तो इसमें किसी को जिम्मेदार ठहराएंगे आप, पार्षद को या विधायक को? ज्यादातर किसी की लापरवाही मानेंगे या नहीं है? ज्यादा पार्षदों की ज्यादा, अधिकारियों अफसर की भी किसी की मानेंगे आप? हाँ, अधिकारी अफसरों की भी है भाई, इससे सब निकलते हैं, अच्छे से अच्छे लोग, बड़े से बड़े लोग इससे निकल जाते हैं, क्या उनको दिखाई नहीं देता था? ये कितने बड़े बड़े खड्डे हैं, इनमें छोटे छोटे स्कूली बच्चे निकलते हैं साइकिल लेके, गए सब नगर निगम के बड़े बड़े अधिकारी यहीं रहते हैं आसपास। अच्छा, नगर निगम के अधिकारी भी रहते हैं, प्रतिनिधि की जिम्मेदारी बनती है। देखिए अब यहाँ पे क्या बनना चाहिए, ये पुलिया बता रहे हैं, ये सब ये देखिए, ये क्या पुलिया थी क्या पहले यहाँ? पुलिया बनी, पुलिया। तो ये कभी बना नहीं दोबारा? ना ना ना। इससे क्या खतरा आपको लग रहे हैं? अभी जो आप देख रहे हैं, आप 10 फुट की रोड है, मान लो गाड़ी यहाँ से वहाँ तक इतना दूर है, कितनी भीड़ लग जाती है, जो मान लो 19-20 होता है, मान लो 19-20 ढंग जाता नीचे, और रात में अगर कोई आया उसको पता नहीं है, लाइटें नहीं है, लाइट भी नहीं है, लाइट नहीं, मान लो यहाँ के बसिंदे लोग तो जान रहे हैं मान लो, लेकिन अन्य लोग कितने रोड, रात भर 24 घंटा रोड चलती है, 24 घंटा रोड चलती है। इस रोड का भी नाम एक बार बता दीजिए, लीलमथा रोड, लीलमथा रोड सेक्टर 6, लीलमथा रोड बिंद्रावन। ठीक है, तो इस तरफ आपने बताया कि इब्राहिमपुर वार्ड है, और इस तरफ वार्ड है खरका वार्ड। तो दो वार्ड के बीच में तस्वीरों में आप देखिए, एक बार दिखा दीजिए कि किस तरह से, अगर हमने जहां खड़े होकर के हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो हम नीचे जाएंगे और वहां पे जाके गड्ढे में चले जाएंगे। तो आप कैमरा उधर टर्न कर दीजिए, दिखा दीजिए कि छोटे बच्चे स्कूल के बाइक पे ये आते हैं, किस तरह से ये सब आ रहे हैं, बड़ा बच करके संभल करके निकलना पड़ता है इन्हें। तो आप देखिए ये बच्चे जा रहे हैं, बड़े ध्यान से इनको चलना पड़ता है, ये देख लीजिए,
किसमें किस क्षेत्र का सांसद भी जो है भाजपा से है, कौशल किशोर का क्षेत्र आता है। कौशल किशोर, हाँ सांसद कौशल किशोर है क्षेत्र से। ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कभी कोई पुलिया हुआ करती थी क्या? हाँ पुलिया थी, बस ये क्या है छोटी सी, हाँ ये पुलिया का टूट गई उधर जा, गिर गई, ट्रैक्टर पलट गया, कुछ काट दिया, ट्रैक्टर पलटा था। हाँ आदमी हम लोगों ने बचा लिया था, 15-20 आदमी थे, आए बल्ली उल्ली लेके बांस वहाँ डाल के किसी ड्राइवर को बचा। की बात है, ट्रैक्टर से पलटा था, करीब एक साल हो गए, कम हो 6-7 महीना हो गए, 6-7 महीना। जो है टैंकर गिर पड़ा था। क्या गिरा था? टैंकर पानी का टैंकर हाँ गिर पड़ा था, किसी तरीके से वो बच गया, निकाले बाहर सब उसको किए। मतलब ये भाई साहब बता रहे हैं कि ट्रैक्टर भी पलटा था, आपने टैंकर को भी, पानी के टैंकर, हाँ दोनों गिर गए थे। बहुत ही डर लगता है कि कहीं गाड़ी जो है नीचे ना गिर जाए। अच्छा दोनों तरफ यहाँ पे बड़े बड़े गड्ढे हैं और गाड़ी चलाने वाले को डर लगा रहता है कि कहीं गाड़ी गड्ढे में ना गिर जाए। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जनता जो है, सर आप बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के जाते हैं, दोनों तरफ आपके यहाँ पे पब्लिक बता रही कि गड्ढे ही गड्ढे हैं, सहमत है इस बात से? नहीं भैया, बहुत रिक्स है यहाँ पे। दिक्कत है कि मतलब दो गाड़ियाँ आ जाती हैं, दो कार से भी निकलता हूँ मैं तो, अगर ज़्यादा इधर दबा दिया खाई में गिर सकते हैं, जान का भी खतरा है, जान का खतरा है यहाँ पे। बिल्कुल रास्ते आप देख रहे हैं, रास्ते कितने खड्डे हैं। विधायक जिम्मेदार या पार्षद जिम्मेदार या दोनों जिम्मेदार? पार्षद जिम्मेदार है। मैं तो पार्षद को कहूँगा ये पार्षद का काम है ना, पार्षद भी यहीं रहते हैं, कभी उन्होंने कभी इधर काम नहीं कराया। वो कह रहे हैं कि 125 कार्य कराया है। कहाँ कराया, हमें तो नहीं दिखता, हमारा शारदा नगर में देखिए चल के, हमारे लिए मैं भी यहीं का निवासी हूँ, कोई काम नहीं है। आप देख सकते हैं कि छोटे बच्चों को ये जरा देखे कितना खड्डा, दोनों तरफ है, जरा सा भी अगर हुए तो सीधे नीचे ही जाना है, नीचे जाना है। बिल्कुल मतलब डर लगता है। और रात में कभी आते हैं? बिल्कुल, हमारा तो रूढ़ी है ये, रात दिन रात में बताते हैं कि यहाँ पे लाइट नहीं लगी, कुछ नहीं, कहाँ है, कहीं किसी है पुल, कहीं खंबे पे लगी है, कहीं लाइट है, कुछ नहीं अंधेरा है, बिल्कुल देख लीजिए, खाली वो लगा हुआ है, लाइट है नहीं। दिखा दीजिए एक बार, रात में अगर कोई आएगा और अगर किसी की भी झुका, आप देखिए दोनों तरफ खाई गड्ढे हैं बड़े बड़े गड्ढे हैं इस तरह से। मतलब ये है कि बच्चों के साथ भी जाने में डर लगता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, तो हम भी जनप्रतिनिधि से, चाहे वो विधायक हो या पार्षद हो, देखिए ये जनता की ये वोट आपको देते हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि समस्याएं तो गंभीर है, क्योंकि जनता के हित के लिए ही आपको चुना गया है। अब सवाल ये है कि कब तक इस नीलमत्था का विकास होता है। आप बने रहिए न्यूज़ टुडे।